हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट टू का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं, अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ब्स को हम इन वर्ड्स के साथ कैसे यूज करते हैं, जैसे कि और, नॉर, ईच, एवरी, इस तरह के वर्ड्स के साथ हम वर्ब्स कैसे यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ईदर यू और ही इज लेट होना चाहिए या फिर आर लेट होना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन है, ईदर यू और ही इज लेट या फिर ईदर यू और ही आर लेट, क्योंकि यहां पे हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, राइट? तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में, जहां हम बात करेंगे वर्ब्स विथ और, नॉर, ईच, ईदर, एवरी। तो इसमें भी हम पहले रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले रूल को देखते हैं, और ये कहता है कि मल्टीपल सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर यूजेस अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर ऑब्जेक्ट हैं जिसको हमने बीच में और या नॉर लगाया हुआ है, उस केस में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? जैसा कि ये सेंटेंस लेते हैं, ईदर पेन और पेंसिल वॉज गिवन एज अ गिफ्ट बाय द टीचर। तो इसका मतलब है ये पेन और पेंसिल दोनों टीचर ने नहीं दिया, या तो पेन या फिर पेंसिल। तो यानी कि हम लोग दोनों में से किसी एक ही चीज की बात कर रहे हैं, या तो पेन या फिर पेंसिल। तो चूंकि एक ही चीज की बात कर रहे हैं तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो इसीलिए हम यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो कि मल्टीपल प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने और या नॉर से जोड़ा हुआ है, मतलब इंस्टेड ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे तो पेन और पेंसिल दोनों सिंगुलर था, इसके बदले अगर ऐसा हो कि दोनों ही प्लूरल हैं, या फिर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो ऐसे केसेस में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ईदर पेन्स और पेंसिल्स were given as gifts by the teacher, मतलब बहुत, या तो बहुत सारे pens या फिर बहुत सारे pencils teacher ने gift किया। तो अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी है तो वो एक चीज़ भी क्या है, बहुत सारे pens, तो वो plural है। तो इसीलिए जो verb होगा वो plural होगा। तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी plural है तो हमारा verb plural होगा। जैसे कि अगर ऐसा हो, either pen or pencils were given as gifts by the teacher, मतलब या तो टीचर ने एक पेन दिया या फिर बहुत सारे पेंसिल्स, तो दोनों में से एक भी अगर प्लूरल है तभी भी हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो ये बहुत एक ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को और से लगाते हैं तो सिंगुलर, जब दो प्लूरल को और से लगाते हैं तो प्लूरल वर्ब, और जब एक सिंगुलर एक प्लूरल को और से जोड़ते हैं तभी भी प्लूरल वर्ब, ठीक है? तो अब हम कुछ और रूल्स देखते हैं। जैसे कि अगर सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्संस आर जॉइंड बाय और नॉट, उस केस में क्या होगा? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ईदर यू और ही इज गोइंग फॉर द मूवी टुडे। यहाँ पे जो हमारे दोनों सब्जेक्ट है, एक है यू एक है ही, तो यू है सेकेंड पर्सन और ही है थर्ड पर्सन, तो मतलब एक सेकेंड पर्सन है एक थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि यू के साथ तो आर होगा, यू आर गोइंग फॉर द मूवी, ही के साथ इज होगा, ही इज गोइंग फॉर द मूवी। तो इस केस में वर्ब कौन सा होगा? तो इस केस में वर्ब जो है वो नियरर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे वर्ब से करीब कौन सा सब्जेक्ट है? ही। तो ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब होगा, ठीक है? तो अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखें, ईदर ही और यू डैश गोइंग फॉर द मूवी टुडे, तो इस केस में हमारा वर्ब किसके हिसाब से होगा? इस केस में हमारा वर्ब नियरर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। नियरर सब्जेक्ट है यू, तो यहां पे होगा आर। तो इस केस में हो जाएगा ईदर ही और यू आर गोइंग फॉर द मूवी टुडे। तो आपको समझ में आ गई बात? जब भी दो अलग अलग पर्सन हो जिनके बीच में और लगा हो, तो जो करीबी वाला पर्सन है उसके हिसाब से हमारा वर्ब होगा, मतलब वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा या कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा जो नियरर सब्जेक्ट है उस पे। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इस तरह के वर्ड्स की। तो जहां पे भी हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसा क्यों? जैसे इन सभी वर्ड्स का अगर आप मतलब समझें, तो जैसे एक एग्जाम्पल,
ईदर ऑफ देम इज टेलिंग अ लाई, मतलब दोनों में से या फिर तीनों में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, मतलब कोई एक जन बेसिकली झूठ बोल रहा है। तो हम एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं, तो चूंकि एक को टारगेट कर रहे हैं इसीलिए हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, एवरी वन एन्जॉयज पार्टी, एवरी वन मतलब हर एक जन। नॉर्मली एवरी वन सुन के लगता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट एवरी वन जब हम बोलते हैं मतलब हर एक बंदा पार्टी एन्जॉय करता है, तो हम एक की बात करते हैं। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास वॉज गिवन अ चांस, अब एवरी स्टूडेंट का मतलब तो यही हुआ कि हर स्टूडेंट, बट बेसिकली चांस किसको दिया गया, हर एक स्टूडेंट को, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को चांस दिया गया। तो इस तरह के वर्ड्स से बेसिकली हम एक सिंगल चीज की बात करते हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट से ये पता चलता है कि क्लास में अगर 100 स्टूडेंट थे तो सभी 100 स्टूडेंट को चांस दिया गया, तो एक एक करके सबको चांस दिया गया। उसी तरह एवरी वन एंजॉय पार्टी, जितने भी लोग हैं हर एक जन पार्टी को एंजॉय करता है। तो इसीलिए इस तरह के वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से लिखें, अगर हम ऐसे लिखें ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश गिवन अ चांस, मतलब एवरी की जगह अगर हम ऑल लिखें, ऑल मतलब सारे, सब स्टूडेंट्स, तो जब हम सारे की बात करते हैं तो हम हर एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, हम सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहे। तो ऑल स्टूडेंट्स जब हम यूज करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा वेयर ऑल स्टूडेंट्स वेर गिवन अ चांस, मतलब सारे बच्चों को चांस दिया गया। अब एक एक करके चांस दिया गया या इंडिविजुअल लेवल पे क्या हुआ हमें पता नहीं, लेकिन जब हम एवरी स्टूडेंट की बात करते हैं मतलब हर एक स्टूडेंट को, एक एक स्टूडेंट को चांस दिया गया, तो उस केस में हम वॉज यूज करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जगह जैसे अगर आपके पास एक इस तरह का क्वेश्चन हो, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर इन द क्लास डैश गिवन अ चांस, मतलब हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर को चांस दिया गया, तो इस केस में क्या होगा, वॉज होगा या वेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम फिर से हर एक चीज की बात कर रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट को और एवरी टीचर को चांस दिया गया, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम यूज करेंगे वॉज। तो काफ़ी लोगों को इस तरह की चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ पे भी हम एवरी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई एवरी स्टूडेंट जो है ठीक है इसके साथ तो सिंगुलर यूज़ होता है, एवरी टीचर के साथ भी सिंगुलर यूज़ होता है, बट यहाँ तो हमने दोनों को एंड से जोड़ा हुआ है, तो इस केस में तो प्लूरल होना चाहिए, बट वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इन द क्लास Were given a chance, तब ऐसा होता कि एक स्टूडेंट और एक टीचर को चांस दिया गया, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर को, तो फिर वही यहाँ पे वो इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट आ जा रहा है कि हम हर एक चीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में हमारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल, नीदर रोहन नॉर आई डैश कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पे नीदर नॉर यूज हुआ है और यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक तो है रोहन जो कि है थर्ड पर्सन और दूसरा है आई जो कि है फर्स्ट पर्सन। तो जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो नियरर सब्जेक्ट है, नियरर सब्जेक्ट है आई, तो आई am coming to the party होता है, तो यहाँ पे होगा am, so neither Rohan nor I am coming to the party। लेकिन यही अगर उल्टा होता कि neither I nor Rohan is coming to the party, क्योंकि उस समय जो verb होता वो Rohan के according होता। Next देखते हैं, neither they nor I dash coming to the party, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमारे पास एक तो सब्जेक्ट है दे क्या है थर्ड पर्सन है और प्लूरल भी है, और आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा रूल था वो ये है कि यहाँ का जो भी वर्ब होगा वो नियरेस्ट वाले पे डिपेंड करेगा, यानी कि आई पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमने एक और रूल पढ़ा था कि अगर एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है तो वर्ब हमारा कैसा होगा, वर्ब हमारा प्लूरल होगा, वर्ब का हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। तो आई के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, आई के साथ यूज होता है एम,
ठीक है, बट एम का प्लूरल फॉर्म क्या है? आई एम होता है, लेकिन वी आर होता है, राइट? तो इसीलिए यहां पे हम यूज करेंगे आर। तो यहां पे आर हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं कि ये दे के हिसाब से है, आर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको यहां पे वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और समझने की चीज है कि जब आपके पास दोनों चीजें हो कि भाई दोनों अलग पर्सन है, तो जो सब्जेक्ट पास में है वर्ब के, उसके पर्सन के हिसाब से वर्ब का फॉर्म होगा। लेकिन अगर एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। तो इस केस में नजदीक में कौन सा सब्जेक्ट है? आई। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब होना चाहिए एम, लेकिन चूंकि एक जो है इनमें से प्लूरल है इसीलिए एम का प्लूरल फॉर्म होगा, और एम का प्लूरल फॉर्म होता है आर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, नीदर दे नॉर आई आर कमिंग टू द पार्टी। और आगे बढ़ते हैं, हाउ डैश एवरीबडी एट होम। तो यहाँ पे हम एवरीबडी की बात करें, ऐसे तो एवरीबडी मतलब सभी लोग, लेकिन एवरीबडी जो वर्ड है इसका मतलब है घर के हर एक लोग कैसे हैं। तो इस केस में हम यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म, तो हम कहेंगे हाउ इज एवरीबडी एट होम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर हिज फ्रेंड्स और हिज रिलेटिव्स डैश सपोज टू कम टूडे। तो यहाँ एक तो हमने और से लगाया हुआ है, बट ये जो हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक उसी तरह जो रिलेटिव्स है वो भी प्लूरल फॉर्म में है, तो जो यहाँ पे वर्ब होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर, इधर हिज फ्रेंड्स और हिज रिलेटिव्स आर सपोज टू कम टूडे। सो आई थिंक इन एग्जाम्पल्स के साथ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। प्लीज विजिट examfear.com फॉर फ्री क्वालिटी एजुकेशन। यू कैन लर्न विद अ सिंपल 4-स्टेप लर्निंग प्रोसेस वेर इन यू कैन वॉच वीडियो लेसन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन रेफर नोट्स एंड यू कैन टेक अ फ्री ऑनलाइन टेस्ट। वी हैव कॉन्टेंट फॉर क्लास 6 to 12 ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल वीडियोज। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।